शादी तो आपने कई देखी होंगी जिसमें पूरा परिवार या कभी कभी सिर्फ दो लोग साथ होते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन सब जगह पंडित ही होते हैं जो शादी के कार्यक्रमों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या कोई शादी बिना पंडित के हो सकती है, वो भी जबरदस्ती, आई एम श्योर आपका जवाब ना में होगा। लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी बिहार में पकड़ा हुआ विवाह के थ्रू। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक युवक पकड़ा हुआ विवाह का शिकार हो गया। युवक सरकारी नौकरी वाला था, उसे लड़की पक्ष के साजिश का पता ही नहीं चला। लड़का पक्ष ने आरोप लगाया है कि लड़के ने उनके बेटे को साजिशन फंसाया गया और फिर उसकी शादी समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की लड़की से करा दी गई। लड़का राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात। लड़के के परिजनों का आरोप ये भी है कि इस मामले में लड़की पक्ष ने बड़ी ही शातिराना तरीके से लड़के को फंसाया है। आरोप है कि लगभग 2 महीने पहले जिस लड़की से पकड़ा हुआ विवाह हुआ, उसका प्रस्ताव उनके घर शादी के लिए आया था, तब लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लड़की वालों ने पहले तो राजस्व कर्मचारी को चाय पीने के बहाने अपने रिश्तेदार के घर बुलाया। इस कार्यक्रम के बाद लड़का ड्यूटी पर वापस चला गया। लड़की वालों ने इसके बाद अपनी लड़की को परीक्षा दिलाने के बहाने राजस्व कर्मचारी के पास भेज दिया। खबरों की माने तो लड़के के परिजनों का आरोप है कि लड़की को रूम दिलाने की बात कही गई और थाने में बेटी को अगवा करने का उधर मामला भी दर्ज करा दिया गया। जैसे इस बात की जानकारी राजस्व कर्मचारी और उसके परिवार को हुई तो लड़की के साथ वो थाने पहुंचा, जहां उसकी जबरन मंदिर में पकड़कर शादी करा दी गई। अब पूरे मामले में राजस्व कर्मचारी का बयान नहीं आया है। हालांकि लड़की वालों का कहना है कि लड़के के साथ शादी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। फिलहाल बेगूसराय में अनोखे पकड़ा हुआ विवाह की चर्चा अब चारों तरफ गरमाई हुई है। ऐसे में जब चर्चा चली रही है तो आपको बता दें पकड़ा हुआ विवाह होता क्या है। तो आपको बता दें पकड़ा हुआ विवाह असल में वो विवाह होता है जिसमें शादी के लायक लड़के का अपहरण कर लिया जाता है और फिर डरा धमकाकर जबरन उसकी शादी करवा दी जाती है। बिहार में पकड़ा हुआ विवाह का इतिहास 1980 के दशक के बाद से शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 के दशक के बाद बिहार के बेगूसराय जिले में पकड़ा हुआ विवाह का चलन सबसे ज्यादा रहा। खैर, इस शादी से नाराज लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष पर गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। अब जबरन हुई इस शादी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।